हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक पर अंडर 14 लड़के व लड़कियों की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर बीके नड्डा ने शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। दो दिनों तक चली राज्य स्तरीय एथलेटिक्स अंडर 14 प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में जिला सोलन और सिरमौर की टीमें संयुक्त तौर पर ओवरऑल चैंपियन बनी। हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक पर अंडर 14 लड़के एवं लड़कियों की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर बीके नड्डा ने शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। दो दिनों तक चल रही राज्य स्तरीय एथलेटिक्स अंडर 14 प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में जिला सोलन और सिरमौर की टीमें संयुक्त तौर पर ओवरऑल चैंपियन बनी। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समा भी बांधा। मुख्य अतिथि शिक्षा उप निदेशक बीके नड्डा ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि हार जीत से कभी घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि विजेता टीमें अब राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर 5 और 12 सितंबर से होने वाली प्रतियोगिता में करेंगी। उन्होंने कहा कि विजेता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए डटकर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि बढ़िया परिणाम सामने आ सके। तो जिलों से आए हुए जो प्रतिभागी हैं उनको एज ए पार्टिसिपेंट, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने जिला स्तर पर राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ से जो लोग प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहे हैं विभिन्न इवेंट्स में, जैसा कि यहाँ चौहान साहब ने बताया कि 9 प्रकार के इवेंट्स हुए, उनमें जो पहले दूसरे स्थान पर बच्चे रहे हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। परंतु समय बहुत कम है, जैसा कि यहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया कि लड़कियों का जो एथलेटिक मीट है वो 5 दिसंबर से होने वाली है और लड़कों की 12 दिसंबर से होने वाली है, तो उसमें लगभग 1 महीना है। तो इस 1 महीने में जो कमियां हैं आप में, उनको अपने जो गाइड हैं, अपने जो कोच हैं, उनसे आपने समझनी है और निरंतर प्रयास रखना है उनको सुधारने का। कार्यक्रम में वक्त चलाए छोटे ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।